दशहरा नजदीक है, लेकिन इस बार भी रावण के पुतले बनाने वालों के चेहरों पर मायूसी छाई है। कोरोना के कारण पिछले दो सालों से लगातार पुतलों की बिक्री में भारी कमी आई है। इस बार भी रावण दहन नहीं होना है और यही कारण है कि पुतले बिना बिके ही रह जाएंगे। सामूहिक आयोजनों पर रोक के कारण दशहरे का आयोजन नहीं किया जा रहा। पुतले बनाने वाले कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ग्राहक नहीं होने से कारीगर परेशान है। कोरोना के कारण पिछले दो सालों से उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन कारीगरों की मांग है कि सरकार इनको राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए। हमने क्या है, पहले 5 साल से तो जयपुर बना रहे थे, अब हमने सोचा है 2-3 साल से अजमेर में बनाना है। हमारा गांव है डिग्गी मालपुरा, टोंक जिले के अंदर है। हमने सोचा अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, इसलिए हर गली में ले जाके जलाए, बच्चे भी कोई परेशानी नहीं आए। 5-6 साल हो गई जो उसमें बहुत सारे रावण बिक रहे थे, मोहल्ले वाले बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे, जो पहली बनाते थे पढ़ाई छोड़ के असंभव उसमें छोड़ कर रहे थे, तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि बड़ी बड़े आपको सेट मिल रहे हैं, उनके सब भरोसे बच्चे भी आते भी है और खुशी भी करते भी है, सब लोगों को खुशी भी दी जाएगी। और जो रावण पहली जो नगर पालिका में बढ़ रहे थे तो उनको बच्चों को देखने को मौका मिल रहा था नहीं, और उनके बाद में बाढ़ भूट बच्चों को खुशी नहीं मिल रही थी, तो बच्चे भी सोच रहे कि मोहल्लों के अंदर में जलाएंगे, खुशी भी करेंगे, तो बच्चे भी खुश रहेंगे, मोहल्ले वाले भी खुश रहेगी। ये भी कोरोना गाइडलाइन तो उसके हिसाब से तो अभी सरकार का बिल्कुल आदेश है, मतलब सख्त निर्देश है कि कोई धार्मिक आयोजन या जहाँ पब्लिक इकट्ठा होती है वो सब प्रोग्राम अभी नहीं करने। तो निगम की तरफ से वैसे तैयारी थी, लेकिन अब राज्य सरकार का आदेश है तो इसलिए अभी हम कोई भी प्रोग्राम नहीं रख रहे। जैसे डांडिया का प्रोग्राम रहता था वो भी नहीं है, और रावण दहन का वो भी नहीं है, और अभी फ़िलहाल में जो नवरात्र चल रहे तो गरबा का भी आयोजन नहीं चल रहा है, तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी सरकार ने सख्त निर्देश दिए कि कोई भी प्रोग्राम नहीं होंगे, तो वो गाइडलाइन की पालना